नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम बताते हैं आपको मंडार से बड़गांव की तरफ जाने वाली सड़क की खस्ता हाल स्थिति के बारे में। आपको बता दें कि यह सड़क गुजरात को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है जो जालौर जिले को जोड़ती है। यहाँ पर कई प्रतिष्ठित मंदिर, टूरिस्ट धाम भी हैं। सुंदा माता जी जाना हो, जालौर जाना हो, भीनमाल जाना हो, और गुजरात से इस तरफ राजस्थान में मंडार होकर एंट्री करने वाले जाने वाला एक ही रास्ता है। और इतना खस्ता हाल है कि आप सोच सकते हैं 5 से 10 की स्पीड में लोग चलते हैं और जगह जगह पर खड्डे। रात के टाइम में तो ये बड़ा बुरा हाल होता है कि अब देखिए ये ट्रक कैसे जा रहा है, धीरे धीरे चलेगा, 10 से 15 की स्पीड से ज़्यादा कोई नहीं चल सकता क्योंकि पूरी सड़क ही टूटी हुई है। कई जगह पर तो इतने खतरनाक खड्डे हैं कि अगर रात को मोटरसाइकिल सवार जा रहा है और उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी जान जा सकती है। कैसे प्रशासन इस बात को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि कई बार यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी भी जाते हैं, चाहे वो जालौर जिले के हों, सिरोही जिले के हों या राजस्थान लेवल के हों, नेता भी जाते हैं। ये देखिए, ये सुंदा माता बस है जो रेगुलर आती जाती है। ये करीब 4 से 5 बसें हैं जो अहमदाबाद से सुंदा माता, जो एक बड़ा धाम है, वहाँ पर आती हैं। उसी के साथ साथ दूसरी भी जो वाहन हैं जालौर जिले से सिरोही जिले में आने के लिए रानीवाड़ा वाले रास्ते से, उसके लिए एकमात्र यही सड़क है जो आना जाना होता है। आपको हम पूरी जगह पर बता रहे हैं कि देखिए इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि लोगों का गाड़ी में बैठना ही मुश्किल हो जाता है। इस और पर रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ी समस्या है, जिनको अस्पताल जाना होता है बड़ी बीमारी के लिए या इलाज के लिए, तीसा, पालनपुर, दानेरा आदि जाने के लिए, जो लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं या डिलीवरी के लिए जाते हैं, तो उनको भी बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है तरफ जाने का। और राजस्थान जालौर ज़िले में इतनी मेडिकल की सुविधाएं नहीं हैं जितनी गुजरात में हैं, और गुजरात पहले से ही विकसित है तो वहाँ पर, और लोग भी वहाँ की दवाई, वहाँ का इलाज प्रिफर करते हैं, पसंद करते हैं, तो वहाँ जाना चाहते हैं। तो धीरे धीरे भीनमाल भी डेवलप हो रहा है और वहाँ पर भी हॉस्पिटल्स हो रहे हैं जालौर में भी, लेकिन फिर भी लोगों का जो मन है वो गुजरात की तरफ जाता है और ये गुजरात को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ खड्डे हैं। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। Thank you.
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।